वाराणसी ज्ञानवापी मामले से जुड़े अलग अलग विषयों को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज क्या कुछ सुनवाई हुई है? देखिए, आज इस मामले में सुनवाई हुई दो विषय हैं जी। सबसे पहला विषय है कि जो 91 का केस है, इस समय सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रडिक्टरी ऑर्डर्स पास होने के चांसेस हैं। उसमें ऐसी मांगें की जा रही हैं जिससे इस केस में बहुत सारी लीगल हर्डल्स उत्पन्न होंगे, इसलिए हमने मांग की है कि उस केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए और उसका ओरिजिनल ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी करे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ASI ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में दिसंबर 2023 में, आज तक उस रिपोर्ट पर 9-10 महीने बीत चुके हैं, आज तक उस रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन नहीं मंगाया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। तो हमने न्यायालय के संज्ञान में ये बात लाई कि आज उस रिपोर्ट पर अपना ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, ऑनरेबल कोर्ट उसमें ऑब्जेक्शन मंगाए और अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 तारीख को निर्धारित की गई। विष्णु जी, चाहे राम जन्मभूमि का विषय हो या फिर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का विषय हो, वह अब हाई कोर्ट में चल रहा है, उसकी सुनवाई राम जन्मभूमि की पूरी हो चुकी है। क्या इसको लेकर भी कुछ संबंधित आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें मैंने ये मांग की है कि राम इस मामले से संबंधित जितने वाद हैं जो इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में चल रहे हैं, सारे वादों को इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया जाए और इन सारे वादों का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाई कोर्ट करे। ये याचिका हमने सुप्रीम कोर्ट में प्रविष्ट कर दी है, दाखिल कर दी है, क्योंकि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में 2-3 इशूज़ हैं, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ इसमें अराइज़ हो रहे हैं जिसका निस्तारण होना बहुत ज़रूरी है और 10 महीने से यहाँ पर अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसलिए इसका ओरिजिनल ट्रायल फास्ट ट्रैक बेसिस पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट करें। तो अब इस मामले की जो यहां पर वाराणसी न्यायालय में सुनवाई होगी वह कितने तारीख को निर्धारित की गई? 19 अक्टूबर को इसमें अगली तारीख निर्धारित की गई। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी, जिनका साफ कहना है कि अब वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की भी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई है। ABP न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। व्हाट डज हरियाणा'स यूथ वांट? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? Sarkar banegi to 36 baradriyon ki sarkar banegi. Ram Ram! Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP? Or Bhupinder Singh Hooda from Congress? We'll turn the tables this time. Haryana mein maujood hai hum is waqt. Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.